वेलकम टू भावना कुक्स किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही शानदार और सुपर टेस्टी मसाला भिंडी की रेसिपी। और जो मसाला आज मैं बनाने वाली हूँ वो आपको इतना पसंद आएगा कि आप हमेशा स्टफिंग के लिए बिल्कुल यही बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मसाला भिंडी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम जितनी फ्रेश भिंडी ली है। भिंडी को अच्छे से धो लेना है और उसके बाद एक कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। फ्रेंड्स, भिंडी को कॉटन के कपड़े से साफ करना जरूरी है, वरना भिंडी हमारी एकदम चिकनी बनेगी। और भिंडी के दोनों तरफ के डंठल को कट करना और बीच से कट लगाना और अंदर भिंडी सड़ी हुई ना हो उसका खास ध्यान रखना। तो देखिए फ्रेंड्स कि बस ऐसे ही सारे भिंडी को कट लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स कि मैंने सारी भिंडी को ऐसे बीच से कट लगा दिया है। अब भिंडी के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 चम्मच जितना बेसन लिया है। बेसन को एकदम धीमी आंच पर अच्छे से भून लेना है ताकि उसका सारा कच्चापन निकल जाए। याद रहे फ्रेंड्स कि बेसन को हमें फूल आंच पर बिल्कुल भी भूनना नहीं है, वरना बेसन हमारा जल जाएगा। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब गैस को बंद करके ही भून लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसन हमारा अच्छे से भून गया है। अब गरम बेसन में ही हम बाकी के सारे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जितनी कूटी हुई सौंफ ली है, 1/2 चम्मच जितना आमचूर पाउडर लिया है, आप आमचूर पाउडर की जगह नींबू भी ले सकते हो, 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जितना या स्वाद अनुसार नमक लिया है, 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर लिया है, 2 चम्मच जितना धनिया पाउडर लिया है, 1 मैगी मसाला मैजिक का लेना। इससे हमारी मसाला भिंडी एकदम शानदार बनेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस मसाले को जरूर ट्राई करना। एक चम्मच जितना ऑयल डाले, ऑयल से मसाला सूखा नहीं रहेगा और भिंडी में मसाला एकदम चिपक के रहेगा। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करना। अब बारी आती है फ्रेंड भिंडी में मसाला भरने की। तो बस ऐसे ही फ्रेंड्स भिंडी में मसाला भरना है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो देखिए फ्रेंड्स कि मैंने सारी भिंडी में मसाला भर दिया है। अब जो बचा हुआ मसाला है उसे हम बाद में यूज करेंगे। अब कढ़ाई में 2 चम्मच जितना ऑयल डालना। ऑयल जब गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 चम्मच जितना जीरा डालें। जीरा जब चटक जाए तब इसमें थोड़ी सी हींग डालना और अच्छे से मिक्स कर देना। अब इसमें भिंडी डाल देना। फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा ही रखना, वरना हमारी भिंडी जल जाएगी। इस बात का खास आप ध्यान रखना और अच्छे से मिक्स कर देना। अब ढक के मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने देना। 2 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि आधी भिंडी हमारी पक गई है। फिर से 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। 2 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि भिंडी हमारी हो गई है। अब जो बचा हुआ मसाला था वो उसमें ऐड करेंगे और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना।
तो देखिए फ्रेंड्स कि हमारी मसाला भिंडी बनके तैयार हो गई है। कितनी मस्त भिंडी बनके तैयार हुई है, एकदम खिली खिली भिंडी बनी है। तो फ्रेंड्स आप भी इस मसाला भिंडी को ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब मसाला भिंडी को सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इस मसाला भिंडी को बनाइए, खाइए, और आपकी भिंडी कैसी बनी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप मसाला भिंडी कैसे बनाते हैं ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।